करने वाले सभी नीम के पत्थरों को सबसे पहले मेरा शत शत प्रणाम। 1971 में दो घटनाएं हुई, एक कुरुक्षेत्र में और एक हिमाचल के पपरोड़ा छोटा सी गांव में, जहां आयुर्वेद के प्रेमियों ने प्राइवेट स्तर पर दो कॉलेजों की स्थापना की। एक मैं तो आज मैं हूं और मैं पहले वाले में पपरोला वाले से मैं स्वयं पढ़ के आया हूं। मेरे ख्याल में वो उत्तर भारत के लिए बड़ा सौभाग्यशाली साल था जिस साल ये दो कॉलेज उत्तर भारत में आयुर्वेद के खड़े हुए। आपका कॉलेज 75 में अंडर टेक ओवर हो गया सरकार के द्वारा, और हमारे मेरे वाला कॉलेज जो था वो 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब वो टेक ओवर हुआ। और सरकारी कॉलेज बनने के बाद दो साल के बाद मैं उस बैच में बीएमएस करने के लिए वहां पर तीन चार साल बाद मैं वहां पर पढ़ने गया। आप सभी लोग हमारे अग्रज हैं, नीम के पत्थर हैं, और अभी तक भी आप उस घटनाक्रम को नहीं भूले, और आज भी जो आपने समय जो मैं देख रहा हूं अपने आप को अपडेट करने में लगे हैं। वेदांता से डॉक्टर शवि आज यहाँ उपस्थित हैं और आप नई नई बातें उनसे सुन रहे थे। मैं अपने विषय पर आने से पहले ये डाइट के बारे में जो थोड़ा सा डॉक्टर शवि को भी मैं एक डाइट फॉर मेंटल एक्सरसाइज देना चाहूंगा और आप लोगों को भी, सोचिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है आहार पे और उस कन्फ्लिक्ट को समझिए। आज मैं चर्चा नहीं करूंगा उस पर, अगले साल अगर भगवान ने मौका दिया तो उस पर हम दोबारा चर्चा कर सकते हैं। हम केवल खान पान पे ध्यान न दें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम ये भूल गए हैं कि ये जो आहार बनाते थे खाना बनाते थे वो पकाते कैसे थे, हम ये भी भूल गए हैं। और मैं आप थोड़े से दो तीन विषयों पर आपको मैं जोड़ना चाहूंगा। ये दालों से जो हमारी जो कुछ भी बनता है, जो हम उत्तर भारत में दाल खाते हैं सचमुच में बीमारी खाते हैं, क्योंकि दाल की कल्पना ये शिब्बी धान्य जो हैं उनकी कौन सी कल्पना बोली है शास्त्रों में, यूष कल्पना। कौन सी यूष का मतलब है सूप, और हम खाते कैसे हैं चावलों जैसी गाढ़ी दाल खाते हैं, तो इतने प्रोटीन नहीं चाहिए हैं। जैसे डॉक्टर शवि ने कहा कि अनाज में और दालों में मिलके दो चीजों के संयोग से हमारे शरीर को रिक्वायर्ड प्रोटीन की मात्रा अगर उस फॉर्म में खाएंगे तो मिल जाएगी। मैं वेरी करता हूं इनसे कि सबसे बेस्ट प्रोटीन जो है वो दालों में है, हमारे अन्न में है। आपको एडिशनल प्रोटीन लेने की, और जो आहार भी हमारे अन्न का इंटीग्रल पार्ट है, जब हम अन्न की बात करते हैं तो दूध और दूध के जितने प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। एक बात तो मैं आपको ये बताने वाला था, जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं मांस खाने वाले लोग हैं वहां कौन सी कल्पना बताई है कि कैसे खाना चाहिए नॉन वेज। आई थिंक अगर आप दोबारा याद करेंगे जब पीछे पड़ा था तो केवल मांस रस की बात हुई है, मांस खाने की बात नहीं हुई है कहीं भी। और हम खाते क्या हैं, हम मांस खा रहे हैं, मांस रस नहीं, इसलिए हम बीमारियां बुला रहे हैं। और मुझे याद है जब मैं बिल्कुल छोटा था, यानी 9-10 साल तक मेरी दादी जी जिंदा थे, और जब आयुर्वेद पढ़ा और वो जैसे हमें मांस रस खिलाती थी वो मुझे, जब मैंने पढ़ा जाके तब मुझे याद आ गया बिल्कुल ठीक, मेरी दादी बिल्कुल ऐसे ही बनाती थी। तीसरी बात मैं बताऊंगा आपको, ये मेरे ख्याल में याद है आप सबको कि अगर हमारी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, हम
ठीक अन्न का या दालों का सब्जियों का उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, ठीक से पका नहीं है या विरुद्ध खा रहे हैं, तो एक आम जैसी चीज पैदा होती है जिसको आम विष कहा, शायद सबको याद होगा। एक कारण है कच्चा और पका हुआ अन्न एक साथ खाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और आज क्या हो रहा है डॉक्टर शबी, मैं काउंसिल में रहते हुए 10 देशों में गया, कहीं भी उन लोगों ने हमें कच्चा सलाद नहीं दिया, कहीं भी। इट वॉज प्री बॉइल्ड। वो ठीक भरपेट खाते हैं, खाने से पहले वो सलाद की ही वहां पर सर्विंग होती है, फर्स्ट सर्विंग सलाद की होती है, या बुफे में वो रखा है तो वही होगा केवल पहले, और धीरे धीरे वो बोलते हैं सेकंड सर्विंग, थर्ड सर्विंग, और वो वहां लगातार दो दो घंटे बैठते हैं वो डिनर जब करते हैं, तो उनका खाने का तरीका है ये, दे गिव एम्पल टाइम फॉर देयर लंच एंड डिनर, परंतु नाश्ता वो गाड़ियों में ही करते हैं। कभी भी मुझे कच्चा सलाद खाने को नहीं मिला। इट वॉज आइदर बॉइल्ड और प्री बॉइल्ड, एडेड विद पेपर, लिटल सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल, जो कि वो लोग खाते हैं। तो ये सिद्धांत तो हमारा है कि कच्चा, क्योंकि इसके बाद हमने पका हुआ अनाज खाना है, अन्न खाना है, तो ये दो चीजें वो नहीं खाते। और हमारे लिए क्या सुजेशन है कि खूब सारा कच्चा खाओ। तो मैं जब मुझे पता लगा आज से 15 साल पहले, मैं भी इग्नोरेंट था इसके बारे में, जब मुझे पता लगा उस दिन के बाद से सलाद खाना, खाना है तो अकेला सलाद, फिर उसके 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद कोई भोजन नहीं। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जिसकी, अगर इतना साल काम करने के बाद अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, अपने किताब को उठा के देखेंगे, तो आहार से रिलेटेड ये मुझे बड़ी 3 मेजर बातें थी जहां बड़ा कन्फ्लिक्ट है, और इस कन्फ्लिक्ट को हमें दूर करना है। और अगर एक बात पे बिल्कुल सहमत हूं, जहां जो रह रहा है वो वहां से उपजे हुए अनाज सब्जियां दालें खाता है तो सर्वोत्तम, उस स्थान पर कैसे पकाई जाती हैं वो भी उसकी बैक में भी जाना होगा हमें, किस चीज में जीरा पड़ने वाला है, किस चीज में हमें लहसुन डालना चाहिए, किस में नहीं डालना, ये हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसको ध्यान देना है। आप बैंगन बनाइए, मैं ये भाप्रकाश में लिखा हुआ है, बैंगन की सब्जी जिसको वातज और कफज प्रतिशाय है, उसके लिए पथ्य अन्न है, आहार है, परंतु बनाना कैसे है, उसमें केवल सेंधा नमक और घी होना चाहिए, 2 चीजों के अलावा उसमें तीसरी चीज मत मिलाइए। अब हम सारे मसाले डाल के अगर बैंगन बनाएंगे तो वो तो उष्ण है ही, एक गुण में वो तो पित्त पैदा करेगा ही। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं, हम किन्हीं कारणों से, आज उन कारणों पे मैं नहीं जाऊंगा, किन्हीं कारणों से हम इग्नोरेंट रहे हैं, परंतु अभी भी वक्त है। और जब आपकी एज का वैद्य ना किसी को कोई बात कहता है ना, तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है, और जो स्वयं प्रयोग करके ये बात कहता है ना, उसके मुंह से केवल शब्द नहीं निकलते, उसकी जीवा से सरस्वती आगे प्रसारित होती है। तो मैं ये 2-3 बातें बतानी थी, और अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में अपनी शाला के तंत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसमें भी शाला के तंत्र, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है आज के आई ENT ओरो डेंटिस्ट्री, ये 3 स्पेशलिटीज उसमें आती हैं, बट आई वॉज कन्फाइंड टू मेनली आई। तो आज मैंने अपना विषय दिया था कि मैं आज ड्राई आई पे बात करूंगा आपके साथ, और आप में से भी बहुत सारे लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हो, इसका आप आयुर्वेद के माध्यम से क्या लोगों को की सहायता कर सकते हैं, उस पर मैं जरा सी बात करूंगा। पहली बात तो यह कि इस रोग के लिए जो नामकरण दिया ना हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद में, उसको नाम दिया शुष्क अक्षिपाक, बड़ा साइंटिफिक नाम दिया उन्होंने। कब ये दिया? आज से 2500 साल पहले।
और ये बात समझने में मुझे बड़ा समय लगा। और ड्राई आई को जो आज हम कॉमनली कहते हैं ना, उसका टेक्निकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम है केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। आईटिस वहां भी लगा है और शुष्क अक्षी के साथ सिक्का, सिक्का मींस ड्राई, आईटिस मींस इन्फ्लामेशन। तो शुष्कता की बात भी सुश्रुत कर रहा है और पाक की बात भी साथ में कर रहा है। तो ये आगे देखा गया कि ये पाक जो है, इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन भी ड्राइनेस को लीड करती है और ड्राइनेस भी इन्फ्लामेशन को लीड करती है। ये दोनों, ये रिवर्स फिनोमेना है इस डिजीज में। इस समय तक ऑक्युलर सरफेस पे रहेगी तो वो ड्राइनेस में जाएगा, क्योंकि उसका जो सिक्रीटिंग जो टीयर फिल्म वाला जो अपरेटस है वो डैमेज होता है। और अगर टीयर फिल्म का मैकेनिज्म पूरा डैमेज हुआ तो उस फ्रिक्शन से भी वहां पर इन्फ्लामेशन होगी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं रहा, तो बाहर के पैथोजन कह लीजिए या पॉल्यूएंट्स कह लीजिए, वो भी ऑक्युलर सरफेस में इन्फ्लामेशन करेंगे। ये दोनों कॉज हैं। तो ये बात ही बहुत बड़ी है कि उन्होंने नाम इस डिजीज को जो दिया वो साइंटिफिक नाम दिया जो आज तक प्रेवलेंट है। तो आप समझ लें कि वो कितने बुद्धिमान लोग थे। अब मैं जरा सी बात करूंगा कि हमारी अप्रोच कैसे हो, आयुर्वेद की अप्रोच कैसे हो ड्राई आई में। तो आज हम इसको रोग को समझते हैं कि टीयर फिल्म के तीन कंपोनेंट हैं, जो आंसू हैं हमारे, जो हमारे ऑक्युलर सरफेस को लुब्रिकेट रखते हैं, स्निग्ध रखते हैं, उसके तीन फैक्टर हैं। एक वाटरी कंटेंट है, एक म्यूसिन कंटेंट है और एक फैट कंटेंट है। तो हमारी जो कंजक्टिवा की लेयर है उसकी सेल से म्यूसिन निकलता है, जैसे हमारे मुंह से सलाइवा से म्यूसिन निकलता रहता है वैसे कंजक्टिवल सेल से भी निकलता है म्यूसिन। और दूसरा लैक्रिमल ग्लैंड और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं कुछ ऑक्युलर सरफेस में, और एक स्ट्रक्चर है लैक्रिमल ग्लैंड जो आउटर सरफेस में आई ऑर्बिट में होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो म्यूसिन है उसको वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर पानी रुक जाता है, परंतु पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इसके लिए फैट की लेयर उसके ऊपर जम जाती है। तो ये कंपोजिट, इसका आयुर्वेद कंसेप्ट क्या है, म्यूसिन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे कंजक्टिवा के सेल्स हेल्दी हो और फैट सीक्रीटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टिमुलेट हो। इतना घी तेल हमने कम करवाया और अल्टीमेटली हुआ क्या, बहुत आज एक नई डिजीज हमारी डायग्नोज हुई है जिसको बोलते हैं ल्यूकोमाइटिस। बेसिकली फैट कंटेंट की क्वांटिटी और क्वालिटेटिव अल्टरेशन के कारण वो हुआ है। इससे हमारी ह्यूमन स्पीशीज जो है वो अल्टर हो गई है। ठीक के आते हैं, इतनी बात समझने के बाद हम उनके आते हैं। तो ड्राई आई के पेशेंट को अगर ये बात, आज आपके पास पेशेंट आएगा डायग्नोसिस लेके आएगा उसका शर्मल रीडिंग बहुत कम हो गई है, इसका रीडिंग जरूरी है। तो सूप्स एंड ऑल दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। रसायन भी ऐसे दें जो रस धातु को बढ़ाने वाले। दूसरा, अगर एजिंग के अनुसार या किसी भी कारण से डेबिलिटेटिंग डिजीज के कारण से अगर म्यूसिन की स्पीशी कम हुई है वो भी डायग्नोज हो जाता है, तो उसके लिए हम रोज बंगाल टेस्टिंग करते हैं, उससे पता लग जाता है कि सेल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ डैमेज, तो म्यूसिन नहीं बनता। म्यूसिन अगर अल्टरेट बनता है तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, वाटर एब्जॉर्ब नहीं रहा तो वो रुकेगा नहीं, तो हमें फिर प्रोटीन रिच डाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स को उनको हमने रिवाइव करना है, मेंटेन करना है। फिल्म ब्रेकअप टाइम वो भी एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है और डॉक्टर यूजली ड्राई आई में ये करते हैं। अगर ब्रेकअप टाइम जो है वो 10 सेकंड से 15 सेकंड से देखा, इनटेक बढ़ाने की जरूरत है बट हेल्दी फैट देने की जरूरत है। और इसके लिए फैट को हेल्दी स्टेट में लाने के लिए हमारी कितनी घृत कल्पनाएं हैं, इन्यूमरेबल, आप गिनती करने लगे। ये इन तीनों चीजों को आप बास्केट कप से भी इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ ये वाटरी कंटेंट और म्यूसिन की प्रॉब्लम है, वहां पर कफ क्षय है, यहाँ इन्फ्लामेशन के प्रोसेस के कारण ये ड्राइनेस हुई है, वहां पित्त है और यहाँ इवेपो। बहुत सारा स्कोप आपके पास है ऐसे पेशेंट्स की, ड्राई आई के पेशेंट की ओवर। तो एक चीज और, आज ड्राइनेस से रिलेटेड अगर मैं बात नहीं करूंगा तो बेमानी होगी, एक कंप्यूटर पे काम करने वालों को आज बहुत प्रॉब्लम हुई है,
जिसको विजुअल डिस्प्ले सिंड्रोम भी नाम दे देते हैं हम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पहले नाम था परंतु आज विजुअल डिस्प्ले सिंड्रोम, क्योंकि केवल कंप्यूटर नहीं रहा और भी बहुत सारे गैजेट्स आ गए जो कि डिस्प्ले से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी सैद्धांतिक तौर पर आयुर्वेद में लिखा गया है, वहाँ पर उन्होंने ये रेडिएशन से होने वाली इंजरी के लिए भी चिकित्सा दे रखी, और वो रेडिएशन वहाँ उस समय जब तक ये इलेक्ट्रिक और बाकी सब नहीं था तो उन्होंने सूर्य की किरणों से होने वाला जो आंख पर आघात है वो बात छठी शताब्दी में भागवत ने अपने किताब में लिख रखी है। उसकी चिकित्सा भी ड्राई आई की जैसे ही करनी है, पित्त नेत्रों की चिकित्सा के समान, तो घृतों का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और कंप्यूटर पे काम करने वालों को अगर डिस्कम्फर्ट आई में होता है तो ओरल इनटेक ऑफ फैट और जो मेडिकेटेड घृत हैं उनके साथ साथ उनको एक बात एडवाइस करिए, वो दूसरे दिन आपको कहेंगे कि मुझे रिलीफ आ गया, कि वो दो बार दिन में हमारे आई लिड्स पे दो दो बूंद घी लेके आई लिड्स पे बाहर ऑकुलर सरफेस या ऑर्बिट के सामने जरूर आप पलकों पे लगा लिया करें, इससे आपको उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, परंतु मैंने सिद्धांत आपको दे दिया, आज मैं केवल इतनी सी बात आपसे करना चाहता था। धन्यवाद। लुब्रिकेंट क्या देंगे आपको? सबसे बेस्ट लुब्रिकेंट जो इंस्टेंटली यूज किया जा सकता है वो दूध है, यस। और अगर दूध में नॉर्मल सलाइन के बराबर अगर 0.9% अगर नमक डाल, सेंधा नमक डाल लेते हैं तो वो दिन भर ड्रॉप्स के रूप में यूज किया जा सकता है, यस। थोड़ा प्रकार किस पे? स्लगिश आई, स्लगिश आई, स्लगिश आई, हाँ, डाल देनी चाहिए। और अगर वो 15-20 साल का हो जाए और उसको कहे वो काम करे वो नहीं करेगा, सेम आई स्लगिश आई के साथ है। इसकी डायग्नोसिस अर्ली ही ट्रीटमेंट है, अगर 12 साल तक से पहले ये डायग्नोज नहीं हुआ तो इसमें संभावना बहुत कम हो जाती है। स्लगिश आई वास्तव में एक ऐसी समस्या है जिसमें दो आंखों की दृष्टि क्रिया में, देखने की प्रक्रिया में बहुत इम्बैलेंस है। एक आंख तो बहुत अच्छा काम करती है और दूसरी आंख में या माइनस या प्लस नंबर कोई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नंबर है, ये कॉन्जेनाइटली हुआ करता है। दूसरे कुछ कॉजेज हैं, एक्वायर्ड जो कॉजेज हैं, जिसमें एक आंख का वो प्रयोग ही नहीं कर रहा है, और जिस आंख में नंबर है बहुत ज्यादा वो आंख ठीक से देखती नहीं है तो वो आंख सुप्रेस हो जाती है, वो काम करना ही बंद कर देती है और एक नॉर्मल आई से आदमी काम करता रहता है। कभी भी दूसरी आंख में कोई समस्या हुई और कैजुअली चेकअप करवाने के लिए गया तब उसको पता लगता है कि एक आंख तो बहुत वीक है। हाँ, 12 साल से पहले अगर ये हो जाता है तब तक हमारी जो विजुअल अपरेटस है राइट फ्रॉम रेटिना टू विजुअल सेंटर, इसकी अगर स्टिमुलेशन ना मिले तो वो फिर सुप्रेस हो जाती है, जिसको स्लगिश आई कहते हैं, एम्ब्लायोपिया भी टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है। तो अगर इससे पहले हो जाए तो हम इसकी नॉर्मल आई को ब्लॉक करते हैं और जो वीक आई है उसमें चश्मा लगा के जितनी बढ़ सकती है अब ग्रेजुअली उसके ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं कि पहले दिन, पहले 1-2 महीने आप 1 घंटे तक केवल वीक आई के साथ काम करिए, खेलिए, बाकी काम करिए, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए और उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट अगर होती है तो आगे बढ़ते हैं। बचपन में पता कैसे चलता? बचपन में पता इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में विजन चेकअप जो है वो एक नेसेसरी एक्टिविटी कर दी गई है। तो जितने भी चक्षुषीय रसायन है इसमें आपको मैं ये कहूँगा कि जीवंती घृत जो है, अगर बच्चा हेल्दी है तो आप त्रिफला घृत पे जाइए, मां त्रिफला घृत पे जाइए, थिन एंड लीन है तो जीवंती या शतावरी घृत पे जाइए, वो रेगुलर। और ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन खिलाएंगे, 3 दिन, 6 महीने, साल बाद आपको पता लगेगा यस दवाई ने भी ऐड किया है इसमें। थैंक यू वेरी मच। हाँ 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 हाँ
ये आप ड्राई आई के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं अक्षय तर्पण के बारे में? ओके, दो बातों को ध्यान रखने के बाद ही ड्राई आई में अक्षय तर्पण करना है, जिसका शिरमर्ज रीडिंग यानी टीयर फिल्म का जो एक्को सिक्रीशन है वो नेग्लिजिबल है तब अक्षय तर्पण नहीं करना है, ये ध्यान रखिए, वरना ये प्रोसीजर आपको बैड नेम देगा। अगर उसकी शिरमर्ज रीडिंग, शिरमर रीडिंग का मतलब वो टेस्ट करते हैं हम के टीयर सिक्रीशन का क्या रेट है, प्रॉपर है कि नहीं है, कितने मिलीमीटर वो स्ट्रिप होती है उसके अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करते हैं, तो वो अगर एक्को सिक्रीशन, वाटरी सिक्रीशन अगर आंख में कम है तो तर्पण नहीं करना, और अगर वो ठीक है तो ये किया जा सकता है। विशेष रूप से जो फैटी लेयर ऑफ द टीयर फिल्म में अगर कोई डिफेक्ट है उसमें ये हेल्पफुल होता है, वरना अगर एक्को सिक्रीशन कम है उसमें ये नुकसानदायक होता है, इतना ध्यान रखिए। ठीक, उसमें वाटरी सिक्रीशन डाउन होती है उसमें तर्पण नहीं करना, उसमें तर्पण नहीं करना, ठीक है, उसमें आपको दूसरा जो मैंने लुब्रिकेंट बताया वो आप यूज कर सकते हैं, राइट। परंतु जैसे जैसे, हाँ, अगर आप एनर्जेटिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ वाटर सेक्रेशन इज रिक्वायर्ड इट्स है जी। ग्लूकोमा के लिए काला मोतिया, ग्लूकोमा की भी आउटराइटली कहूंगा ओनली ट्रीटमेंट, और ग्लूकोमा से जितनी डैमेज एक बार हो जाती है वो रिवर्स नहीं होती है, ये दूसरी बात पता होनी चाहिए, और जितनी बची है वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती है। हमारा सिस्टम ऑफ आयुर्वेद एक फैक्टर जो ग्लूकोमा में है उस पर हेल्पफुल है, वो कौन सा, जो न्यूरो रेटिनल डिजनरेशन ड्यू टू रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर हुआ करती है उसको डिले कर सकती है, जो इंपेंडिंग डिजनरेशन है ड्यू टू प्रेशर उसको हॉल्ट कर सकती है और 5-10% तक दोबारा उसको रिवर्स कर सकती है, जो डाइंग सेल्स हैं उनको वो रिवाइव कर सकती है, इससे ज्यादा हेल्प नहीं करती है। और इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना, मुझे अभी तक कोई ऐसा दवाई नहीं मिली आयुर्वेद की जिसको देने से इंट्राओकुलर प्रेशर ट्रीट करेंगे तो आप इससे बचा सकते हैं। अगर ये न्यूरो पैरालिटिक है ड्यू टू सम सिफिलिस और अदर प्रॉब्लम तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हाँ, जो लुब्रिकेंट है या किसी को एक्सरसाइज का रोल है इसमें और सर्जरी का रोल है इसमें, ठीक है, मेडिसिन का कोई रोल नहीं। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज वगैरह के कारण लेटर रेक्टस पैलसी हुई है जो फ्रीक्वेंटली हुआ करती है उसमें मेडिसिन का रोल है, उसमें मेडिसिन का रोल है। बहुत 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 धन्यवाद। मुझे ये लगता है आज के जो हमारे दोनों एकेडमिक मीटिंग्स हुई हैं दीज आर बहुत बढ़िया। धन्यवाद कोलेजी और आपका डॉक्टर साहब दीवान साहब। मैं डॉक्टर नरोत्तम सूद जी से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आ जाए और हमारे धीमान साहब को थैंक्स करें। ये हमारे अनदर पिलर सर, सेम ईयर के, सेम बैच के, सेम क्लास फेलोज नरोत्तम सूद जी। इनकी सर आईज में प्रॉब्लम चल रही है, चंडीगढ़ से इनकी आईज में प्रॉब्लम चल रही है, तो सूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार डॉक्टर धीमान साहब से अपॉइंटमेंट लें और इनको अपनी आंखें दिखाएं। सर प्लीज, अच्छा पूछा था आपसे, अच्छा सर प्लीज।
शेरों की आंखें लाल ही रहती हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। अब मैं दीवान साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर मेरे पास आ जाए। अनिल शर्मा जी अपने वो बैठे हुए, शुक्ला साहब, शुक्ला साहब आ जाओ, थोड़े खास ने अनिल शर्मा जी, आओ जी अनिल शर्मा जी। ये सर हम जब भी ये मीट करते हैं अनिल शर्मा जी का हमें बहुत सहयोग रहता है, शुक्ला जी की चहेते भी हैं, आप दोनों मिलकर आप दीजिए, दोनों दीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पे प्लीज, अशोक सम्राट है, आइए अशोक जी। ये सर ये जो वेदांता से डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं हर साल, इनका सहयोग है, नरेश नरेश रेहान जी इनके भाई हैं। और ये आपका जो यहाँ पे सर ये गीता आश्रम बना हुआ है, पूरा नाम की गीता आश्रम का, उनका मेडिकल विंग मेरे पास रहता है, मैं पिछले 30 साल से हमारा 30 साल। डॉक्टर सम्राट 73 बैच है, मैं बेसिकली कला रोड, मेरा जन्म स्थान है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और अब मैं कुरुक्षेत्र में प्रैक्टिस कर सभी दो, पिछले 7 साल से मैंने प्रैक्टिस छोड़ के महाराज जी के साथ। अब मेरा सारा काम यह रहता है कि किसी को किसी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है वो मेरे पास आते हैं, मेडिकली नॉन मेडिकली, तो उनको मैं गाइड करता हूँ। डॉक्टर त्रिहेन मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनका बचपन हमारे सभी दो बीता है, तो जितना भी मेडिकल विंग जहाँ मेरे को ज़रूरत लगती है किसी आश्रम में किसी स्थान में, मैं उनसे कहता हूँ, वो कभी मुझे मना नहीं करते। मैं जब भी उनको फ़ोन करता हूँ विश्व के किसी कोने में हो, मुझे मस्त रिप्लाई करते हैं और इतना प्यार देते हैं, उनकी पीठ सुन रही है, मैं मतलब कह नहीं सकता इतना मेरे को प्यार है। मैं बताता हूँ उनके बारे में बाकी बात। मैं ये बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र का जो रीसर्जेंस हो रहा है ना, ये ऐसे ही मनीषियों के कारण हो रहा है जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं। मुझे याद है बचपन की वो पल जब कभी कुछ स्थान ऐसे हैं ना जिनका सुबह सुबह नाम नहीं लेता कोई, कुरुक्षेत्र का नाम भी नहीं लेता था कोई, अगर लेते थे तो वो लोग ना रिफ्यूट करते थे, क्या नाम सुना लिया, महाभारत हो जाएगा, मतलब ये कंसेप्ट था कुरुक्षेत्र के बारे में। परंतु ज्ञानानंद जी, विशुद्धानंद जी और इनके जैसे कितने मनीषी आज दिन रात एक काम कर रहे हैं कि इन्होंने इसको कुरुक्षेत्र युद्ध से बाहर निकाल के गीता ज्ञान का स्थान के रूप में आगे लेके आए हैं, और बहुत जल्दी जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बनाया है सरकार ने, और ऐसे स्वामी जो है वो दिन रात इस काम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता ज्ञान को और ये जीवन का ज्ञान है इस रूप में जो आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको शत शत नमन, और उनके लिए एक बार बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए। 23 तारीख को महाराज जी की तरफ से एक आह्वान किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 23 दिसंबर को ठीक 11 बजे पूरे विश्व के अंदर पूरे मीडिया इसको कवर कर रहे हैं, और हमारा भी ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है, और हमारी श्रद्धा से ठीक 11 बजे 23 दिसंबर ठीक 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 11:01 में समाप्त हो जाएगा। केवल 1 मिनट का कार्य मेरा, मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ उसके लिए। गीता के 3 श्लोकों को चुना गया है, पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजस्तुवा माम का पांडवाचे किम कुरुसत, ये कर्मयोग से लिया गया। दूसरा श्लोक 9वें अध्याय का 22वां अनन्य चिंतेव माम ये जना पर्योपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम माम, ये भक्ति योग से लिया गया। और अंतिम श्लोक पहला बीच का और अंतिम, यत्र योगेश्वरो किशोरो यत्र पार्थोधन तत् श्री विजयभूत तीर्थ, ये 3 श्लोक। मेरे आपसे भी प्रार्थना है कि आप खुद भी अपने मित्रों से भी कहें, अपने रिश्तेदारों से भी कहें, आपका जो ग्रुप है उन सब से कहें, 23 तारीख को ठीक 11 बजे आप सभी अपने घर में बैठ के या आपका जो ग्रुप है उसमें बैठ के या आसपास में कोई
मंदिर है, कोई धर्मशाला है, वहां इकट्ठे होके इसका पाठ करें। इसका हम अपने ग्रुप में व्हाट्सएप कर देंगे और कोशिश करेंगे जहां आप कहेंगे आपको ये तीनों श्लोक हम पहुंचा दें। पहला श्लोक गीता का, अंतिम श्लोक और बीच का सासु। हाँ जी, हाँ, ग्रुप में डलवा दें। पहले डलवा, मैंने दो दफा डाल चुका हूं। ये महाराज जी की तरफ से आह्वान है पूरे विश्व के लिए कि किस तरह हम अपने गीता के साथ जुड़े। ये एक छोटा सा प्रयास है। अभी पीछे अपना इसके अंदर दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर इसकी ओपनिंग की गई है मोहन भागवत जी के हाथों से। तो उसके लिए मेरा सबसे आह्वान है पूरे विश्व के जितने मीडिया है, जितने संत है। अभी डॉक्टर त्रिहन ने भी अनाउंस किया था उस दिन कि इसी को उनके 5 इंस्टीट्यूशन है वेदांता के, तो सब के अंदर सभी डॉक्टर, सभी स्टाफ और जितने भी पेशेंट्स होंगे उस समय सब कार्य रोक दिया जाएगा, केवल 1 मिनट के लिए गीता पाठ किया जाएगा। मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा क्योंकि ये सबके लिए है, आह्वान महाराज जी का है, ये सबके लिए। आप भी कृपा इसके लिए। अभी मैं आपको और बताता हूँ कि वेदांता की तरफ से कुरुक्षेत्रा के अंदर गीता ज्ञान संस्थानम के अंदर एक मेडिकल सेटअप शुरू किया जा रहा है जो फुल फ्लेज यहाँ रहेगा। 24 घंटे वेदांता की टीम यहाँ रहेगी, इसी तरह वृंदावन में और इसी तरह हम वहाँ हरिद्वार में भी कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। ये पुरुषोत्तम पालीवाल जी आ जाओ जरा। ये सर पुरुषोत्तम पालीवाल जी हमारे क्लास फेलो है, मित्र हैं, सारा कुछ है, बहुत सहयोग देते हैं। आजा पालीवाल, 78 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, 78 टाइम्स। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी में 4-5 बार दिया होगा। लेट करना सर। उसके बाद फिर जैसे जैसे एज बढ़ती गई हमने बहाने बनाने शुरू कर दिए, यार मैं ये हो गया वो हो गया, हमने बंद कर दिया। 78 बार इनकी पत्नी वो बैठी हुई है, हमारी भाभी सर, ये उनके बगैर संभव नहीं था, उन्होंने संभव बनाया। पत्नी तो उधर बैठी है, उधर कौन है? हाँ उधर, आप हाथ उधर क्यों कर रहे हो? आइए भाभी जी, आप आइए। ये आप दोनों का जॉइंट सर्टिफिकेट है, इसमें आपका भी नाम लिखा हुआ है, इंदु पालीवाल जी। इन्होंने नहीं दिया तभी तो उन्होंने दिया। नहीं मेरे को तो लेट बताया नहीं। मैंने बताया नहीं। बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं पालीवाल परिवार को। अच्छा इनके बच्चे भी पीछे नहीं है सर, वो भी देते रहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। डॉक्टर नरेश मित्तल इज ए वेरी बिग बिजनेसमैन दीज डेज, कभी कहीं कभी कहीं, आज वो नहीं आ पाए। नरेश मित्तल चंडीगढ़ से हैं, पीछे उन्होंने कार्यक्रम अपने कॉलेज में भी किया था, धनवंतरी कॉलेज सेक्टर 35 में है शायद। सर वो इस बार नहीं आए, उनका जाने का प्रोग्राम है 1-2 दिन के बाद, वो कहता मेरे को तैयारी करनी है, तो उनके बिहाफ में मैं चितरंजन कौशल से रिक्वेस्ट करूँगा ये कलेक्ट कर लें सर से। आपके जो भी बैचमेट हैं, नीम के पत्थर हैं, वो भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा आपके बैच को कि नरेश मित्तल जी चंडीगढ़ के श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज को जिस प्रकार से उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको, वो बहुत सराहनीय है। और जो लोग ना गए हों लंबे समय से वो जरूर एक बार वहाँ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर सर वही सोच रहे हैं दोबारा से। तो आज नरेश मित्तल जी क्या भी रहे थे सर, इधर देखिए, नरेश मित्तल जी क्या भी रहे थे, दिमाग साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं। वो मेरे मित्र इसलिए हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। हाँ जी, लास्ट कौन सा? हाँ जी, हमारे महेश खत्री जी आए जरा स्टेज पे। ये सर हमारे क्लास फेलो हैं, मुजफ्फरनगर में रहते हैं, हर साल वहां से गुड़ लेके आते हैं हमारे लिए बिना मसाले वाला, तो ये गाड़ी भर के लाते हैं गुड़ की, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। नहीं सर, आपके लिए भी रखा हुआ है। आपके लिए भी रखा हुआ है। छवि जी आप भी अपना गुड़ ले जाइएगा हमारे से, गुड़ रखा हुआ है आपके लिए। हाँ, अगर आप पानीपत का खट्टा मीठा चार खाएंगे तो वो भी खिलाएंगे हम आपको। हाँ जी, छवि जी की तरफ से गिफ्ट है आपका। हाँ जी, सर्दियों का मौसम है, आप अच्छा लगेगा आपको। थैंक
मैम प्लीज डबल बेड का है सर, आप तो आओगे आओगे मैम प्लीज सर प्लीज इधर आइए। आसे हैं हमारी क्लास फेलो थी, आज हमारी मुलाकात 48 साल बाद हुई है। तो खन्ना साहब नहीं आए, वो भी तो आ जाते साथ में। सर प्लीज इधर। ओके नेक्स्ट प्लीज आइए भाभी। पटेल नगर आइए जी प्लीज। मैम प्लीज नहीं नहीं वो आए हुए बैठे हुए। चलिए आइए जी आ जा। परवल से हैं हम इकट्ठे क्लास फेलो थे, एक ही रूम में रहते थे। ये शुरू से ही ना बड़ा टेक्निकल दिमाग और ये वो उन दिनों में समस्या, तो हमें 150-200 रुपये महीने का किराया पे मतलब खर्चा मिलता था। बहुत अच्छे पेंटर भी है, पेंटर भी है, सब कुछ है, सिंगर भी है। तो गर्मियों के दिन थे, कूलर था नहीं हमारे पास, पैसे नहीं होते थे। तो इन्होंने क्या किया, और टेबल फैन लिया, कुर्सी पर रखा और उसके आसपास वो कट्टा गीला करके लगा दिया, और कट्टे होते हैं वो लगा दिया, और हम दोनों सो जाते थे उसमें आराम से। इज़ वेरी इनोवेटिव। इनका जब परवल में हॉस्पिटल है, गावा हॉस्पिटल ENT के लिए वन ऑफ द बेस्ट, नॉर्दर्न इंडिया के पेशेंट्स वहाँ जाते हैं। 100-150 की OPD है इनकी। ठीक है प्लीज सर प्लीज इधर। थैंक यू आइए जी। डॉक्टर ज्ञान भटेजा, मिसेस भटेजा आइए प्लीज। ये हमारे सीनियर थे ज्ञान जी, सारी सलाह मशवरा देते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, सब इनके थ्रू हमें मिलता है। आइए जी पालीवाल जी, आपने बहुत ही नाम ले लिया, आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ सर प्लीज। थैंक यू। कभी रोहिणी जाओ तो इनके हाथ के पकौड़े खाना, मस्त पकौड़े। आप सभी आमंत्रित हैं। थैंक यू। घर के दरवाजे खुले और आगे बता दो आप। ये पहले हिसार में थे, आज तो रोहतक में आ गए, पड़ोस में आ गए हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी आपके आने का, उम्मीद करता हूँ आगे भी आते रहेंगे। आप इनसे मिलिए, इनसे हाथ लगाते हैं। हाँ जी, और कोई रह गया हो? बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि सर्विसेज की जरूरत पड़ जाती है। धन्यवाद छवि जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैसे तो ना पड़े, आप बोलते जाते हैं, मैं सुनता जाता बोलता जाता हूँ प्रॉम्प्टर। अच्छी बात है, किसी को ना जरूरत पड़े। Any type of help, if you want in Medanta, you can call at any time. Medanta में आपको किसी तरह की help की ज़रूरत हो, आप मुझे call करें, आपको किसी तरह की problem नहीं आएगी Medanta। धन्यवाद करें। धन्यवाद से पहले मैं, जो लोग बाहर हैं अगर वो भी आ जाते, एक विचार आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि आप फाउंडर स्टूडेंट रहे हैं इस महाविद्यालय के, और आज वो जो यूनिवर्सिटी बना है, तो मैं ये एक विचार आपके मन में दे रहा हूँ। एक ऐसा कोई योजना आपके बीच में से आनी चाहिए कि आप लोगों के नाम उस यूनिवर्सिटी में लगे। तो कोई एक इवेंट के लिए, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, टीचिंग संस्थाओं में तो बहुत कुछ होता है करने को, मैं चाहता हूं कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, और आपके इस ग्रुप की तरफ से किसी भी स्मृति में, जो जिसकी स्मृति में आप चाहेंगे, एक कोई एक्टिविटी यूनिवर्सिटी में हमेशा रहे, और जितने भी उसमें सहयोगी होंगे जो फाउंडर स्टूडेंट हैं, उनके नाम और कौन से साल में वो पढ़ के गए, वो हम एक प्लेट पे वहां पर लगा के रखें, और वो इवेंट तो आपको, ये आपकी मर्जी है जो आप करना चाहते हैं। अगर ये विचार आप सुदृढ़ करते हैं तो अगले साल का इसी को मटेरियलाइज करने के लिए अगले साल का यही इवेंट जो है वो यूनिवर्सिटी आपके लिए ये करेगी। ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर धीमान जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, गेस्ट आज हमारे जो मेदांता से आए थे, डॉक्टर छवि कोहली जी, डॉक्टर देवेंद्र अरोड़ा जी, बहुत सीनियर हमसे थे,
और अगर इस कॉलेज की स्थापना हुई है तो उनके प्रयत्नों से हुई है और उनके साथ बहुत अच्छा सहयोग करते रहे डॉक्टर नरोत्तम सूद जी, डॉक्टर रघुवीर शुक्ला जी, डॉक्टर रामनाथ जी और हमारे सभी जो मेरे के शर्मा जी जो हमारे बैच के सभी साथियों को तो शहर जानते ही हैं सारे के सारे, और जो हमसे पीछे स्टूडेंट्स थे हमारे से जो बाद के बैच के थे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आपने पार्टिसिपेट किया। मैं अपनी तरफ से और ऑर्गेनाइज़र जो आज के थे राय ब्रदर्स उनकी तरफ से सबकी तरफ से आप सभी आए हुए लोगों का स्वागत भी करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से लंच के लिए और लंच से पहले पीठ जीत के लिए। थैंक यू दोस्तों का ये मिलन दोस्तों ऐसे पूरा नहीं होगा जब तक कवि मैथिली शरण गुप्त को याद न किया जाए और उनकी एक कविता जो उन्होंने दोस्ती को समर्पित की है दोस्तों को समर्पित की है तप्त हृदय को सर्व स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को शराब और कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है, जो दहला दे मित्र वही है। ये कवि मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है जो कि आज के दिन मुझे लगता है कि याद करना चाहिए उनको और एक अच्छा उन्होंने कविता प्रस्तुत की। धन्यवाद। जो मुझे बहुत पसंद है वो सुनाऊंगा। कभी कभी लाइफ में आप चाहे जितना खुश रहते हो जितना आप कामयाब हो कभी कभी अकेलापन या डिप्रेशन मन को आ जाती है तो उसमें आप कुछ ना कुछ लिख देते हो, तो ऐसी कोई पल होगा मैंने लिख दिया और मैं अकेला बैठा हुआ था कि ना पूछ हाले जिंदगी क्या है, ना पूछ हाले जिंदगी क्या है दोस्त, सुबह थकी है शामें हैं उदास, ना रास्ता ना कोई सफर ना किसी मंजिल की है तलाश। तो मेरी वाइफ घर में नहीं थी वो आई तो मैंने उनको सुनाया, कहते मुझे बड़ा अफसोस है मैं इतने साल से हम मैरिड हैं मैंने तो कभी आपसे ऐसा कुछ सुना ही नहीं, कभी निराशा देखी नहीं, तो आज क्या हुआ। मैं कह यार ये बात तो वाकई गलत होगी अभी चेंज कर देते हैं। उसी शेर को मैंने थोड़ा सा बदला है और उसका मतलब बदल गया उसका अंदाज बदल गया। मैं कहा ना पूछ हाले जिंदगी क्या है, सुबह मुस्कुराती है शामें खिलखिलाती है, ना रास्ता ना कोई सफर ना कोई मंजिल नजर आती। शायरी एक चीज है जो शायरी में पढ़े हैं लोग जो बड़े अच्छे अच्छे कवि हैं अपने हिंदी के कवि हैं या उर्दू के शायर हैं उस सब में एक अलग ही गुण होता है एक अलग ही फीलिंग होती है उनके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वो उनका जो शब्द मतलब सिलेक्शन है ना वो कहाँ से उनको शब्द आते हैं, जैसे फैज अहमद फैज साहब एक बहुत फेमस शायर हुए 28 साल तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहे, जब वो बाहर निकल के आए तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब भी पूछा कि 28 साल आपने कैसे गुजारे और आपको क्या महसूस हो रहा है तो उस आदमी ने सिर्फ 4 लाइन में जवाब दिया, वो मुझे कभी भी नहीं भूलता। मैंने एक इंटरव्यू जब उनका सुन रहा था मैं तब हमारे दूरदर्शन पे था तो वो मुझे 4 लाइनें उनकी कभी ना भूली कि दिल मायूस नहीं नाकाम ही तो है, दिल मायूस नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। देखो 28 साल को उन्होंने एक छोटे से शब्द में कह दिया कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये शायर की खूबसूरती होगी। अब कई बार हम किसी महफिल में बैठते हैं लोग जिक्र करते हैं कि भाई हिंदी कविता में तो कोई ऐसा फॉर्म हो ही नहीं जो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करे, मैं कह ऐसा नहीं है। हिंदी कविता के अंदर भी पुराने आप ले लीजिए जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने एक छंद काव्य लिखा था आंसू उसका नाम था, उस काव्य का नाम ही आंसू था, उसकी जो उन्होंने शुरुआत की उसमें 2 लाइनें लिखी कि घनीभूत पीड़ा थी, घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वे आज बरसने आई।
और ये दो लाइन से शुरू करके उन्होंने पूरा पूरा काव्य लिख दिया, और उसमें बीच में जैसे ये छायावादी कवि होते हैं, ये प्रकृति प्रेम में या अपने उसके भाव में डूब के बड़ा कुछ लिखते हैं और वो बहुत ही सुंदर है। काली आंखों में कितनी यौवन के मत की लाली, मानिक मदरा से भरती किसने नीलम की प्याली। अब ये आप अगर उर्दू में जो शायर लिखते हैं उनकी वाही वाही हो जाती है, इस चीज की बार समझ में नहीं आती। और फिर वो जीवन को हमारे जैसे सांध्यकाल है जीवन का, तो इसके लिए भी लिखते हैं कि शशिमुख पर घूंघट डाले, शशिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छुपाए, जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए। तो अब ऐसी हमारी महादेवी वर्मा जी थी, वो प्रकृति प्रेम में इतना कुछ लिखती थी और वो छायावादी कवि थी। उनकी भी मुझे कुछ लाइनें याद है जब एकदम से मेरे दिमाग से निकल जाती है, तो आएगी याद तो बीच में सुनाऊंगा। अब मुझे डॉक्टर अनिल ने रिक्वेस्ट की तो मैं एक नज़म के चंद शेर आपको सुना देता हूँ, और ये नज़म है साहिर साहब की, जो हमारी हर जनरेशन के पसंदीदा शायर रहे हैं। यही फिजा थी, ये मैंने पीछे भी अभी किया था, उसको थोड़ा बदल दिया था। यही फिजा थी, ये रुत यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की फिदा की थी। धड़कते हुए दिल से, लरसती हुई निगाहों से, हजूर गैब ने छोटी सी इल्तिजा की थी कि आरजू के कमल खिलकर चूर हो जाए, दिनों नजर के दुआएं कबूल हो जाए। तुम आ रही हो जमाने की आंख से बचकर, नजरें झुकाए हुए और बदन चुराए हुए, खुद अपने कदमों की आहट से डरती झेलती, खुद अपने साये की जुम्बिश से खौफ खाए। रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पर मल्लाह गीत गाता है, तुम्हारा जिस्म हवा के एक झकोले से मेरी कुली बाहों में झूल जाता है। मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे दूरे में, तुम्हारी आँख मुसतर से झुकी जाती है, न जाने आज क्या बात कहने वाला हूँ मैं, जवां खुश्क है आवाज रुकी जाती। मेरे पलंग पे बिखर रही किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से हटा रही हो तुम, सुहागराज जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। बहुत लंबी नज़म है, उसके चंद शेर ही मुझे याद है। इसका नाम भी मेरे ख्याल परछाइयाँ इस नज़म का, पूरी बुकी उन्होंने इस नज़म के ऊपर लिखी हुई है। मुझे सहल हो गई मंजिलें की हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग रहा मैं जल गया। वो लगाए मेरे सवाल पर कि उठा सके ना झुका के सर, उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह कि शवों के राज में चल गए। अपनी बात खत्म करने से पहले रामप्रसाद बिस्मिल जी को मैं जरूर याद करूंगा। ककोरी कांड में आपको याद होगा दो नाम थे बड़े, रामप्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खान साहब, दोनों को ही फांसी हुई थी, तो सरफरोशी की तमन्ना उन्हीं का लिखा हुआ है। तो उनका एक और भी बहुत खूबसूरत शेर है जो उन्होंने अपने मातृभूमि के लिए कहा था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक हो तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र तेरी ही जस्तजू रहे। ये अपनी मातृभूमि के लिए। थैंक यू। लंच ब्रेक प्लीज एंजॉय करो। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.